पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर, आलमी माहिदों में चीनी करेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की सूबाई कबीना ने आलमी माहिदों में चीनी करेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वजीर अला पंजाब की मावन खसूसी बराए इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सूबाई कबीना ने एनर्जी के माहिदों के लिए चीनी युआन को बतौर करेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा काबीना ने चीनी युआन को भी आलमी माहिदों का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के मुताबिक पंजाब काबीना ने पाक फौज की शहदा वेलफेयर स्कीम के तहत चोलिस्तान में 1626 एकड़ जमीन फराहम करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बताया गया कि पंजाब की काबीना ने यह फैसला किया है कि अब तमाम आलमी माहिदों में चीन के साथ डॉलर की बजाय युआन को इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले भी कई दफ़ा ये तजवीज़ सामने आई कि चीन के साथ आलमी माहिदों में मुकामी करेंसी में ट्रेड की जानी चाहिए और इसका फ़ायदा बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत को होगा। पाकिस्तान को अब डॉलर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी और अगर पाकिस्तान युआन में चीन के साथ ट्रेड करता है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा बल्कि आलमी मार्केट में युआन भी मजबूत होगा और जिससे डॉलर की इजारादारी को ख़त्म किया जा सकता है। वादे रहे कि अगर पाकिस्तान अपने खित्ते में मुकामी करेंसी में तजारत करता है तो इससे पाकिस्तान को आलमी मार्केट में तजारत के लिए डॉलर की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी कम होता चला जाएगा जिसके बायस पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 12 दफ़ा इस अज़म का इजहार किया गया है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को आलमी मार्केट में लेन देन के मसाइल का कम से कम सामना करना पड़े और अगर पाकिस्तान अब युआन के अंदर मुसलसल चाइना के साथ आलमी माहिदों की डील करता है तो इससे वाज़े तौर पर पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा और डॉलर की इजारादारी ख़त्म होगी।